Morning everyone, I hope you all are good. So in today video we all are going to discuss about the moon, यानी कि आज हम moon के बारे में जानेंगे. अभी तक हम sun के बारे में, earth के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम इस part में हम moon के बारे में जानेंगे. So let's start. Moon is a natural satellite of the earth, यानी हमें सबको पता है ये moon जो है वो earth की natural satellite है. And it has no light of its own. इसकी खुद की कोई light नहीं है. It reflects the light of sun. One of the largest natural satellite in the solar system. यानी कि हमारे solar system में ये natural satellites जो हैं उनमें से एक सबसे बड़ी है. ठीक है. It reflects the light of the sun. It is about 384,400 kilometers away from the earth. And it takes around 27 days to complete one orbit around the earth. इसका मतलब क्या हुआ? One orbit around मतलब कि ये हमारा, suppose कर लीजिए हमारा earth है, थोड़ा मैं इसको और बड़ा बना देती हूँ. Okay, suppose कर लीजिए this is a earth, ये हमारा earth है, तो हमारा जो moon है वो हमारा इसके around, earth के around चक्कर लगा रहा है. तो ये एक चक्कर लगाने में हमारे moon को लगता है 27 डेज. कितना टाइम लगता है? 27 डेज. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट मून, सरफेस ऑफ द मून. अब हम देखेंगे कि मून का सरफेस कैसा है. डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो क्लोज टू द अर्थ, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ. इतना करीब है ये अर्थ के, लेकिन फिर भी इस ये जो इसका एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा डिफरेंट है. यानी कि यहाँ पर देर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, यानी कि मून पर कोई एयर नहीं है. ठीक है, इसलिए वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है. इट हैज़ क्रैटर्स, यानी कि उस पर गड्ढे हैं. ठीक है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं विद ह्यूज डस्ट. द क्रैटर्स आर फॉर्म व्हेन मेटेराइट्स क्रैश ऑन द मून सर्फेस. जब मेटेराइट्स जो होते हैं, जो घूमते हैं हमारे स्पेस में, जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वो जो घूमते हैं उनको मेटेराइट्स कहते हैं. जब वो मून के सर्फेस पर क्रैश, मतलब टकराते हैं, तो उससे क्रैटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं. The surface is billion year old. बहुत पुरानी है सर्फेस मून की. मून हैज़ अ क्रस्ट, अपर एंड लोअर मेंटल एंड एन आयरन रिच कोर इन द सेंटर. क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है जैसे हमने अभी अर्थ का, अगर हमने अर्थ के तीन पार्ट, हमने अर्थ को बीच से काटा तो हमने देखा था अर्थ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया. सेम एज जब हम मून को भी बीच से काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि उसकी भी तीन लेयर है. ठीक है, तो उसको भी उसने क्या किया, तीन लेयर में. तो ये हो गया क्रस्ट. क्रस्ट में हमने देखा कि क्रस्ट में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और क्रैटर्स हैं. और फिर हमने इसमें देखा कि इसके पास भी मेंटल है. अब जो इसका जो कोर है, जो एकदम अंदर वाला है, इसमें आयरन सबसे ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही आयरन है. ठीक है, इट हैज़ वेरी लेस ग्रेविटी, यानी इसमें ग्रेविटी बहुत ही कम है. ठीक है, 1/6 ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के 1/6 है कंपेरिजन में. इसकी ग्रेविटी इतनी कम है, इसी कारण से जो हमारा मून है वो एयर को अपने होल्ड नहीं कर पाता. क्या नहीं कर पाता? एयर को होल्ड नहीं कर पाता, इसीलिए ये बिना एटमोसफेयर के है. ठीक है, किसी भी गैस को होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम है, इसीलिए इसके पास कोई एटमोसफेयर नहीं. ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, वो एटमॉस्फेयर को होल्ड कर पाता है, यानी कि वो एयर को होल्ड कर पाता है, एक मतलब कि अट्रैक्ट कर, उसको बाहर नहीं जाने देता, इसीलिए हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है. देर इज़ नो वाटर, यानी वहाँ पर कोई पानी नहीं है. सो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून. इसी कारण से लाइफ जो है वो हमारे मून पर पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं और वहाँ पर वाटर भी नहीं है. लेकिन अभी आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे जो स्पेस एजेंसीज हैं वो मानती हैं कि मून पर वाटर है. एक्चुअली इंडिया ही पहला ऐसा एक कंट्री था जिसने अपना जब चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, तो उसने वहाँ उससे आई हुई कुछ पिक्चर्स से उसने स्टडी की थी और उसने देखा कि हाँ मे बी वहाँ पर वाटर सोर्सेस अवेलेबल हैं. लेकिन फिर भी अभी हमारे पास कोई एकदम ठोस, जैसे कहते ना कि नहीं है हमारे पास, फिर भी जब हमारे पास एकदम ठोस होगा तो भी तब जाके आपकी बुक्स में ये लिखा होगा कि हाँ वाटर है. लेकिन तब तक हम अभी डाउट में है कि है वाटर या नहीं है. हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि जो पिक्चर्स मिली हैं स्पेस से, जो मून के सरफेस से ऊपर से मिली हैं, उससे लगता है कि वाटर है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया जो मैं कहना चाहती हूँ. नाउ
लैंडिंग ऑन द मून. द फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट दैट लैंडेड ऑन द मून विथ ह्यूमन वॉज अपोलो 1. यानी कि सबसे पहला जो स्पेस फ्लाइट जो लैंड किया था वो अपोलो 1 था, लॉन्च फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा. और ये कितने सन में, 1969. सोचिए कितनी पहले मून पर हम लैंड कर चुके हैं. इट कैरिड उसमें तीन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो पहला आदमी था जिसने अपना जो पहला कदम था वो मून पर रखा था. नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन स्टेड ऑन द मून सर्फेस फॉर अबाउट 2.5 मतलब 2.5 घंटे तक वो लोग सर्फेस पर रहे थे. वाइल माइकल कॉलिन मैन द स्पेस क्राफ्ट, यानी कि वो वहाँ पर भी ही थे, वो स्पेस क्राफ्ट में ही थे. दे कलेक्टेड रॉक सैम्पल फ्रॉम द मून, यानी कि वो वहाँ से क्या लेकर आए थे, मून के जो सर्फेस के जो रॉक्स हैं उनको वहाँ से वो लेकर के आए थे, जिसके लिए फर्दर जिससे कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट वहाँ की स्टडीज कर पाए. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम फेजेज ऑफ मून पढ़ेंगे. टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.